नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया वर्मा। कहा जाता है संगीत वो भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है। शायद यही कारण है कि आज लोग हर प्रकार के गाने को सुनते हैं और सराह रहे हैं। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनका गाना कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है, लेकिन गाना रिलीज होते ही उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई है। आज हमारे साथ मौजूद है अपने गाने एटीएम से डेब्यू करने वाली राबिका। हो रहा है बिकॉज डेब्यू है इनकी। मेरे को बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये मेरे लिए, क्योंकि टी सीरीज से मेरा सॉन्ग आया है। तो पहली बात तो टी सीरीज ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, और दूसरा डेब्यू ट्रैक जिसका टी सीरीज से आता है वो बहुत ही खुशनसीब होते हैं। तो राबिका, आपकी म्यूजिक जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी म्यूजिक जर्नी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मेरे को सबसे पहले विवेक तुली जी ये प्रोजेक्ट लेकर आए थे, और वैसे तो जो मेरा बैकग्राउंड है, माई फादर इज़ अ बेसिकली वी आर प्राउड ओनर्स ऑफ प्रभार डोर क्लोजर्स सिंस 50 ईयर्स। सो बचपन से ही ये हार्डवेयर की लाइन थी, बट डैड के सारे फ्रेंड्स म्यूजिक में भी थे और बॉलीवुड में भी थे इन्वॉल्व इक्वली। सो बचपन से ही मैं जब उनके साथ बैठती थी तो मैं गुनगुनाने लग गई धीरे धीरे, तो वो म्यूजिक मेरे अंदर ही सिंक हो गया। राबिका, कहते हैं मिलकर काम करने से काम अच्छा होता है, तो आपकी एटीएम की टीम ने आपको किस हद तक सपोर्ट किया? एटीएम की जो मेरे डायरेक्टर्स थे रिम्पी प्रिंस जी, वो बहुत ही सपोर्टिव थे। मतलब उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि जैसे मेरा फर्स्ट सॉन्ग था। बहुत ही उन्होंने, अगर मेरी कोई गलती भी होती थी तो उन्होंने बहुत ही कामली हैंडल किया, जैसे मैं उनकी अपनी खुद की बेटी हूँ। तो बहुत ही कोऑपरेटिव थे और मेरे को बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। राबिका, अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपका असली नाम गुरकिरण है। हाँ जी, तो गुरकिरण से राबिका कैसे? जो ये मेरा नाम गुरकिरण है वो पहले मेरे ग्रैंडफादर ने डाला, और उसके बाद फिर मेरे घर में ये चीज़ थी कि सबका निकनेम होता था। मेरी जितनी बुआज, मेरे फादर, मेरे जितने भी घर में फैमिली मेम्बर्स, मेरा ब्रदर, तो फिर मेरे ग्रैंडमदर ने सोचा कि इसका भी एक नाम होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इसका थोड़ा नाम अलग होना चाहिए। तो फिर मेरा जो नाम है वो बेसिकली मम्मा और पापा का कॉम्बिनेशन है। पापा का नेम इज़ रब्बी एंड मम्मा का नेम इज़ मोनिका। सो फर्स्ट थ्री लेटर्स ऑफ माय डैड्स नेम एंड लास्ट थ्री लेटर्स ऑफ माय मॉम्स नेम, व्हिच बिकम्स राबिका। राबिका, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि राबिका पहले बास्केटबॉल प्लेयर थी, तो बास्केटबॉल प्लेयर से लेके म्यूजिक इंडस्ट्री में आना, हाँ जी, कितना टफ रहा? देखो, हम टफ तो नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब मेरे को बचपन से ही वो म्यूज़िक में मैं गुनगुनाती रहती थी। तो धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई तो वो म्यूज़िक मतलब आ ही गया मेरे अंदर, क्योंकि मेरे को शुरू से ही मेरा एक म्यूज़िक की तरफ भी ध्यान था। और बास्केटबॉल तो मैं क्लास 3 से खेल रही थी और मैंने नेशनल्स भी खेले हैं। तो फिर आने वाले दिनों में बास्केटबॉल या म्यूज़िक? आई वुड गो फॉर म्यूज़िक। मेरे थोड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे 2-3 सूफी ट्रैक्स और 2-3 हिप हॉप ट्रैक्स आ रहे हैं। सो हाँ जी, सो आई विल बी वर्किंग ऑन देम एंड आई विल बी रिलीजिंग माई सेकेंड ट्रैक मोस्ट प्रोबब्ली इन जनवरी। राबिका, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जा रहे हैं रास्ते पर, किसी ने बोला है ओ राबिका मैं हैव अ सेल्फी विद यू, सेल्फी मोमेंट? ऐसा हुआ था जब मैं अपनी शूट कर रही थी चंडीगढ़ में। तो जैसी मेरी शूट ख़त्म हुई, जब पैकअप हुआ, तो उसके बाद जितने भी सारे क्रू मेंबर्स थे या जितने भी सब जो लोग मॉल में घूम रहे थे, उन्होंने देखा विंडो से कि यहाँ पे कोई शूटिंग हो रही है, और उसके बाद सारे आ गए। बट अब जैसे मैं मतलब ट्रैवलिंग या कुछ करती हूँ और जैसे कहीं मेरी इंटरव्यूज़ होती हैं, कुछ होते हैं, तो आ जाते हैं, विच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। सर, आपका गाना रिलीज हुआ, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आए, तो बदलाव कैसे रहे? वो बदलाव ऐसे था कि जैसे मतलब एक नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट से एक आर्टिस्ट में, और जहाँ जहाँ भी जाना, आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो, मतलब आप कहीं पे भी जा रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं मैम प्लीज़ कैन हैव अ सेल्फी विद यू, सो दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द आर्टिस्ट एज वेल एज द आर्टिस्ट फैमिली। सो एक अपने आप में एक प्राउड फीलिंग तो होती ही है, और इससे आपको नए मुकाम भी मिलते हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पे भी, पहले तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैसे इंटरव्यूज़ होती हैं या कैसे आपकी शूटिंग होती है, तो हर स्टेप पे बंदा इंसान सीखता ही है। और बस अपने गाने में आप एक शेर दिल लड़की लग रहे हैं, तो आप रियल लाइफ में भी वैसी हैं? हाँ जी, मैं रियल लाइफ में भी वैसी हूँ। मेरी थोड़ी टॉम बॉयश
लुक है, मतलब मेरे को ज़्यादा गर्ली रहना पसंद नहीं है। हाँ जी, हाइट 5.5 फुट बेली बटन पवाया, एक आईब्रो नू बिन विच कोका करवाया, ओवे मैं परियां तो सोनिया सिर ते ताज सजाउनिया, वे गिठ लम्मी हील पाके वे गोगल अरमानी लाउनिया, अफोर्ड जो कर ले एटीएम पर ले मुंडा कोई डैशिंग चाउनिया। थैंक यू राबिका। तो व्यूवर्स, ये थी हमारे साथ अपने गाने एटीएम से डेब्यू करने वाली राबिका, और जानकारी के लिए देखते रहिए डेली टॉक्स।